जो है हम अपना लेटर ईया इसको करते हैं इसकी भी हमारे पास जो है वो सेवरल शेप्स हैं तो सबसे पहले जो हम शेप्स की देखते हैं वो शू होगी लाइक दिस ये फिर अगेन एक ट्रा की लाइन इस तरह की ही इतने ही डिस्टेंस पर से ये ड्रा करनी है और उसके बाद इसको आगे की तरफ लेकर जाना है और यहाँ पर एक टिप ड्रा कर लेनी है ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है या के लिए इसकी मेजरमेंट्स को देखते हैं कि वो क्या क्या हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास सिक्स टी के इक्वल है और ये जो हाइट है ये हमारे पास फाइव टी के इक्वल है ये जो डिस्टेंस है ये टी बाई टू का है और ये जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा ये यह सिक्सटी यहाँ से स्टार्टिंग होगी ये टी बाई टू लेता है उसके बाद ये जो एंगल है ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर एक एंगल बनेगा वो होगा हमारे पास सिक्सटी डिग्रीज़ का और उसके बाद वाली ये वाली लाइन ये 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 सब सिक्सटी डिग्रीज पर बनेगी ओके और ये हाइट है ये हमारे पास फाइव टी तक जाएगी और ये जो चीज़ है ये टी बाई टू की होगी ये वाली ये टिप है ये टी के इक्वल होगी इसके मेजरमेंट्स को लिखते हैं सबसे पहले हमने टी लेना है फोर सेंटीमीटर सिक्स टी ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर फाइव टी ट्वेंटी सेंटीमीटर उसके बाद टी बाई टू टू सेंटीमीटर ओके अब हम इसको ड्रा करते हैं ये है हमारे पास जो फर्स्ट टाइप थी या के लिए उसको करना हमें यह है कि सबसे पहले हमने एक बेस लाइन यहाँ पर ड्रा की यहाँ पर ड्रा करते हैं हम बेस लाइन अपनी ये, ये टेढ़ी हो गई थी ये बे... ये तो टेढ़ी हो गई है और गलत बन गई है यहाँ पर ये बेस लाइन ड्रा कर ली हमने इसके ऊपर आपने जाना है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा फोर सेंटीमीटर जाते हैं वन टू थ्री फोर यहाँ तक और अगेन एक लाइन ड्रा कर ली लाइक दिस ये स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ से लेकर हमने सिक्सटी तक जाना है ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर ये हमारा एंडिंग पॉइंट होगा यहाँ पर हम एक मूव ड्रा करते हैं यहाँ तक ये टी है और लाइक दिस ये मूव ड्रा हो गई अब हमने करना ये है कि अपनी प्रोट्रैक्टर को लेते हैं और एंगल बनाते हैं हम सिक्सटी डिग्रीज का तो यहाँ पर हमने अपनी प्रोट्रैक्टर को रखा ये जो एंडिंग पॉइंट था बेस लाइन यहाँ पर और सिक्सटी डिग्रीज़ पे एक लाइन ड्रा की लाइक दिस ये ड्रा कर ली अब आपने यहाँ पर से फोर सेंटीमीटर जाना है आगे वन टू थ्री फोर और अगेन यहाँ पर फोर सेंटीमीटर के फ़ासले पर एक अगेन एंगल ड्रा करना है सिक्सटी डिग्रीज़ का यहाँ पर और एक लाइन ड्रा कर ली लाइक दिस फिर हमने करना ये है कि हमने ये थोड़ी सी आई थिंक ख़राब हो गई है लाइन ये थोड़ी सी इधर आएगी ओके okay, फिर हमने टू सेंटीमीटर तक जाना है और फिर फोर सेंटीमीटर तक टू सेंटीमीटर तक गए और एक अगेन सिक्सटी का एंगल ड्रा किया हमने ये जो एंगल्स हैं इनमें आपको अगर इसको ड्रा करने के बाद आपको यूँ लगता है कि जैसे कुछ कमी बेशी है इसमें तो फिर आप उसको कवर कर सकते हैं दोबारा से देख एंगल को यहाँ पर अगेन हमने फ़ोर सेंटीमीटर तक गए लाइक दिस और यहाँ पर सिक्सटी का एंगल ड्रा किया और ये ये ड्रा हो गई अब हमने इसकी लेंथ जो थी हमने फाइव डी तक रखी थी फॉर एग्जांपल यहाँ तक ये अब हम इन लाइंस को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बिकॉज हमारी जो लेंथ है वो यहाँ तक है ये ये ड्रा हो गया अब हमने इसके आपने लेफ्ट साइड पर टी बाई टू का डिस्टेंस लेना है और सिक्सटी डिग्री का अगेन एंगल बनाना है इसकी राइट साइड पर यहाँ पर ये और एक लाइन ड्रा की लाइक दिस ये लाइन ड्रा हो गई अब एक्चुअली हमने इस लाइन को ये थोड़ी सी ठीक नहीं हुई क्योंकि ये नीचे से ज़्यादा खुली बन गई है हमने करना ये है कि यहाँ से आपने ये टी का डिस्टेंस था ना तो टी बाई टू ऊपर जाना है वन टू यहाँ तक और यहाँ पर एक मूव इस तरह ड्रा कर लेनी है ये एक स्मॉल सी ट्राइंगल यहाँ पर बन जाती है बेसिकली ठीक है ये बन गई अब हमने करना ये है एक्चुअली इस लाइन को रिमूव कर दी इसकी हमें ज़रूरत नहीं हमें बस इस छोटी लाइन की ज़रूरत थी हमने ड्रा कर ली अब हमने करना ये है कि यहाँ पर आपने टी बाई टू का डिस्टेंस लिया यहाँ से ये जो लाइन थी ये यहाँ तक और एक लाइन ड्रा की लाइक दिस ये लाइन आपने ड्रा कर ली और यहाँ पर आपने यूँ करके एक एंगल बना लिया ठीक है अब आपने करना यह है कि इस लाइन पर जो आपने ड्रा की थी यहाँ पर नीचे जो है आपने फोर सेंटीमीटर तक आना है लाइक दिस यहाँ तक ये फोर सेंटीमीटर है ये और जहाँ पर आपने नीचे एक मूव इस तरह ड्रा करनी है हल्की सी ये आपने ड्रा कर ली अब करना ये है कि ये इसका मिडिल पॉइंट था यहाँ पर हमने फाइव सेंटीमीटर खोल के एक मूव ड्रा करनी है जिस तरह हमने हा के लिए सॉरी वाव के लिए और फा के लिए ड्रा की थी सेम लाइक दिस ये हमारा दर्जा है ये रेडी हो गया ओके okay. इसकी थोड़ी सी शक्ल आपको दिखाते हैं कि कैसे ये दिख रहा है ओके okay. ये देखें ये इस तरह का आएगा या इसकी फ़र्स्ट टाइप थी अब हम इसको आउटलाइन करते हैं और कलर करते हैं